we are going to learn our new topic, sonnet. Okay, sonnet. Okay, basically its right pronunciation is sonnet. Sonnet. See, this is right pronunciation, is sonnet. But in India we call it as sonnet. So you can also tell it like that. And okay, sonnet. So basically, sonnet, generally it is called as a 40-line poems. It started, let's have some background of this type of writing. First time sonnet was started in Italy, or you can say it was invented by Italian writer Giacomo di Lentini. Okay, so in sonnet, it was first time started by Giacomo di Lentini in 13th century in Italy. Okay, यानी इटली में इसको 13वीं शताब्दी में लेंटिनी ने शुरू किया, बट इट वॉज मोर पॉपुलराइज बाई फ्रांसिस्को पेट्रार, और यू कैन से राइट हियर पॉपुलराइज ओके, सो इट वॉज पॉपुलराइज बाई Francisco Petrarch. Petrarch. On his name, later on he is called as Petrarchan. So the type of sonnet is called as Petrarchan sonnet, based on his name. Okay, Petrarchan sonnet. In 14th century, basically he was a court writer, court मतलब दरबारी कवि, ठीक है, दरबारी कवि, हिंदी में दरबारी कवि कहते हैं, इंग्लिश में इसको court writer means who were writing for the amusement to the court, court मतलब यहां से न्यायपालिका से नहीं, जो राजा होते थे या राज दरबार से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए, यानी उनके एम्यूजमेंट के लिए कुछ कविताएं लिखते थे जो कवि, ऐसे कवियों को कहा जाता था कोर्ट राइटर, ओके, या दरबारी कवि हिंदी में कहते हैं। तो फ्रांसिस्को पेट्रार ये एक दरबारी कवि थे, किसके थे, फ्रेडरिक टू के, फ्रेडरिक टू इटली में, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ और इनके नाम पे जो राइटिंग बनी उसको कहा गया पेट्रार्कन सॉनेट। ओके, द सॉनेट बेस्ड ऑन हिज मॉडल स्टिल इट इज कॉल्ड ए पेट्रार्कन सॉनेट। ओके, सो सॉनेट की स्टार्टिंग होती है इटली से, 13th सेंचुरी में लेंटिनी ने स्टार्ट किया। बेसिकली जब स्टार्ट किया गया लिखने के लिए, तब उस समय सिर्फ ये पढ़ने के लिए था, ठीक है, गाने के लिए नहीं था, बाद में लिरिकल बन गया कि मतलब आप इसको एज ए विथ ट्यून आप इसको गा सकते हैं, बिकॉज इट फॉलो सम प्रॉपर मीटर। सो लेट्स सी एनी पोयम आर यू कैन से सॉनेट एट दैट टाइम इट वाज ओनली रिटन इन 14 लाइंस इन आयाम्बिक पेंटामीटर इन आयाम्बिक पेंटामीटर। सो यू कैन से सॉनेट इज ए पोयम ऑफ 14 लाइंस जनरली रिटन इन आयाम्बिक पेंटामीटर। आई एम सेइंग हियर जनरली रिटन, ओके, जनरली रिटन इन आयाम्बिक पेंटामीटर। समटाइम्स यू मे फाइंड वेरिएशंस इन इट आल्सो, लाइक शेक्सपियर्स सॉनेट
ओके, शेक्सपियर सॉनेट। शेक्सपियर ने कितने सॉनेट से लिखे हैं? 154। ओके, उसके सॉनेट नंबर है 145। ठीक है, सॉनेट नंबर 145। दिस सॉनेट इज रिटन इन आयाम्बिक टेट्रामीटर। ओके, आयाम्बिक टेट्रामीटर होना क्या चाहिए था? पेंटा में होना चाहिए था। सो इसीलिए जब सॉनेट की बात की जाएगी तो सॉनेट इज ए पोएम ऑफ 40 लाइंस जनरली रिटन इन आयाम्बिक पेंटामीटर। जनरली रिटन है, लेकिन ये मैंडेटरी ही नहीं है, या जितने सॉनेट लिखे गए सब उसी को फॉलो करते हैं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जैसे एक दो राइटर हैं जिन्होंने ट्रॉकी स्टार्ट किया, ठीक है, ट्रॉकी से स्टार्ट किया पोएम को, वो भी 40 लाइंस किया, फिर बाद में वेरिएशन करके बदल दिया उन्होंने, फिर वापस मीटर आ गया आयाम्बिक उनका, स्टार्टिंग उनकी हो जाती है ट्रॉकी से। सो ये बहुत सारे सॉनेट में वेरिएशन होते हैं, हुए हैं। ठीक है, सो सॉनेट इज ए पोएम ऑफ 40 लाइंस जनरली रिटन इन आयाम्बिक पेंटामीटर। लेटर ऑन इट वॉज पॉपुलराइज मोर इन इंग्लैंड ऑल्सो ड्यूरिंग 16th century। ओके, सो इन इंग्लैंड इट वॉज रिटन इन डिफरेंट फॉर्म एंड दैट टाइप ऑफ सॉनेट इज कॉल्ड एज इंग्लिश सॉनेट। ओके, सो इफ यू सी हियर बेसिकली सॉनेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉट यू कैन से टू पार्ट्स, टू टाइप्स। ओके, टू टाइप्स, वन इज पेट्रार्कन सॉनेट और यू कैन से इटालियन सॉनेट, एंड अनदर इज इंग्लिश सॉनेट और जनरली फिर लेटर ऑन इट इज कॉल्ड एज शेक्सपियरियन सॉनेट आल्सो। सो लेट अस सी, इसको मिटा दें यहां पे। So you found here two types of sonnet. Okay, one is Petrarchan and another is English. So Petrarchan and another is English. ओके, इंग्लिश सॉनेट, सो वी विल कवर ईच वन। ओके, सो इन पेट्रार्कन, सी हियर आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट पेट्रार्कन, इन पेट्रार्कन आर पेट्रार्क स्टार्टेड हिज सॉनेट बाय राइटिंग 40 लाइंस डिवाइडेड इनटू 8+6 टू पार्ट्स। ओके, यानी जो 14 लाइन है उसकी ऐसे 8+6, दीज 8 लाइन्स आर कॉल्ड एज ऑक्टेव। यानी जो पेट्रार्कन सॉनेट है उसका फॉर्मेट क्या है? 8+6। सो 8 लाइन के को एक साथ मिलाकर क्या कहा गया? ऑक्टेव। और जो 6 लाइन है उसको मिलाकर के सेस्टेट। ठीक है, 6 लाइन को मिलाकर के एक साथ क्या कहा गया? सेस्टेट। ठीक, अगर आप और डीपली इसको घुस के देखेंगे समझ करके, ठीक, तो आप पाएंगे कि फर्स्ट 8 लाइन में ठीक किसी एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है। ठीक, इसको कहा जाएगा प्रोपोजिशन। यानी इसमें फर्स्ट 8 लाइन में क्या है? प्रोपोजिशन। ओके, और लास्ट 6 लाइन्स में क्या है? सोल्यूशन। यानी पहले 8 लाइन में, इन फर्स्ट 8 लाइन you will find one point on which discussion is going on, and the last 6 lines you find the resolution. Resolution मतलब उसका solution, या writer के अनुसार उसका best क्या हो सकता था, वो explanation आपको last के 6 line में मिलेगा। So 8+6 ये pattern आपका चलता रहेगा, और 8+6 के model को ही हम Petrarchan model कहते हैं। ठीक, 8+6, yeah। अब यहां पे जो यहां पर 8 लाइन हो गया, जो 9th लाइन है अपना, 9th लाइन, देयर विल बी, यू इफ यू सी द सॉनेट यू विल फाइंड ए सडन चेंज इन थॉट। ओके, सो 9th लाइन है जो, ये 9th लाइन, ओके, यहां पे एक सडन चेंज मिलेगा आपको
और इसी जो सडन चेंज या सडन टर्न है इसी को कहते हैं वोल्टा। इसका मतलब है टर्न। टर्न का मतलब कोई मुड़ना नहीं है, टर्न इन थॉट। जो यहां सोच चल रही थी यानी जो बात चल रही थी वहां पे अचानक वहां पे टर्न हो जाएगा। सो ये नाइन्थ लाइन को क्या कहेंगे यहां पर हम, वोल्टा। ओके, वोल्टा का मतलब है यहां पे चेंज इन थॉट, अ टर्न। हो सकता है एमसीक्यू में आए। देखो एमसीक्यू इसी से बहुत बनता है। पहले तो आता है पेट्रार्कन सॉनेट में उसका फॉर्मेट क्या, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है 8+6। फर्स्ट 8 लाइन को क्या कहेंगे, ऑक्टेव। लास्ट 6 लाइन को सेस्टेट। ठीक, फर्स्ट 8 लाइन में क्या होगा हमारा, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन ठीक है, प्रोपोजिशन मतलब है प्रस्तावना टाइप, प्रस्ताव टाइप है कोई चीज की बात को डिस्कस करने के लिए प्रस्ताव। इसमें क्या उसका सोल्यूशन है। ठीक है, सो प्रोपोजिशन एंड सोल्यूशन, ये फॉर्मेट रहा वहां पे 8+6 का, ये पेट्रार्कन रहा। अब जो हमारा 8+6 है इसका राइमिंग स्कीम क्या है ये देख लीजिए, ये एग्जाम में आता है राइमिंग स्कीम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसका स्कीम क्या होता है, अगर यही लिख दें तो इस तरीके से होगा, ए बी बी ए। ठीक है, अच्छा ये जगह नहीं बना यहाँ पे, ठीक है चलो हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, ए बी बी ए, फिर ए बी बी ए, सी डी सी डी सी सी, या सी डी ई सी डी ई। ठीक है, ये 8+6 एक साथ होगा, ये 6 एक साथ होगा। ठीक है, ये जो लास्ट का 6 लाइन का है राइमिंग स्कीम, ये कई बार वेरी भी करते हुए मिलेगा आपको। समटाइम्स सी डी ई के बजाय सी डी डी भी मिल सकता है, इस तरीके से होगा। तो ये वेरिएशन होता है यहाँ पे। ठीक है, बट आप जो फर्स्ट 8 लाइन से उसमें कंफर्म रहेगा, वहीं लास्ट 6 लाइन में सी डी सी डी सी डी होगा, या तो सी डी ई सी डी ई रहेगा। ठीक है, या इससे भी हट के वेरिएशन हो सकते हैं, कुछ राइटर में मिलता है। तो ये आपको राइमिंग स्कीम आएगा पेट्रार्कन का, 100% एग्जाम में आना है। चार यहाँ बताएंगे हम राइमिंग स्कीम, चार में से कोई ना कोई एक पक्का आना ही है, ये रट लीजिए एकदम, कोई ना कोई पक्का आएगा एग्जाम में। तो पेट्रार्कन हो गया। ठीक, बहुत सारे राइटर पेट्रार्कन सॉनेट को फॉलो किए। ठीक, इसी में मिल्टन ने इनको सबसे ज्यादा फॉलो किया है यहाँ पे, मिल्टन ने, और भी वो बहुत लोग फॉलो किए मिल्टन, हालांकि मिल्टन इंग्लैंड के हैं, 17th century में उन्होंने लिखा। ठीक है, मिल्टन, लेकिन मिल्टन ने थोड़ा सा वेरिएशन किया। वेरिएशन कहाँ कहाँ किया उसको समझिए। जो पेट्रार्कन सॉनेट था इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, इसका सब्जेक्ट था लव, पैशन, डिजायर, डिजायर फॉर लव बेसिकली। ठीक है, ये था यानी जो जो सॉनेट लिखे जाते थे उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था, लव, लव या पैशन, या लव फॉर यानी पैशन फॉर डिजायर, किसी चीज की चाहत होती थी और स्पेशली लव से रिलेटेड ही होता था, वही सब्जेक्ट थीम होता था। लेकिन जब मिल्टन ने इसको फॉलो किया, पेट्रार्कन स्ट्रक्चर फॉलो किया, स्ट्रक्चर उनका वही है 8+6 का ही है, लेकिन जब उन्होंने फॉलो किया तो उन्होंने सब्जेक्ट मैटर को बदल दिया। तो हम मिल्टानिक सॉनेट को देख लेते हैं यहीं पे, फिर हम लोग उधर चलेंगे मिल्टानिक सॉनेट। इनके में जो सब्जेक्ट है, ठीक, सब्जेक्ट इनका क्या था, कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मोरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, यानी इनके में मोरल और पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा थे। ठीक है, कोई लव का चक्कर नहीं था यहां पे, मोरल और पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के इन्होंने लिखा। तो जो सब्जेक्ट है मिल्टन का वो डिफर कर जाता है पेट्रार्कन से। स्ट्रक्चर सेम है, 8+6 पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया है, बट 8+6 के अंदर जो लिखा गया है सब्जेक्ट मैटर दैट इज डिफरेंट। सो इनका जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आर यू कैन से सिंपली मोरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, मोरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। सो दीज आर बीइंग एज अ सब्जेक्ट मैटर फॉर मिल्टन। एंड अनदर डिफरेंस इज देयर, रन ओवर द लाइन मीन्स अगर
आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है तो हाउ मेनी सिलेबल्स वुड बी देयर? 10, ओके, 5 feet 10. लेकिन इनके में कई बार आपको ज्यादा मिल जाएगा, 10 की बजाय 12 भी मिल सकता है, 13 भी मिल सकता है सिलेबल्स. तो यानी इनकी कोई कोई लाइन होगी जो लंबी हो जाएगी सिलेबल के अनुसार, ठीक है, यानी उसमें नंबर ऑफ सिलेबल्स वेरी कर जाते हैं. ये इसी को रन ओवर द लाइन कहा गया. तो मिल्टन के सॉनेट्स में आप पाएंगे, इवन ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपके सिलेबस में भी है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी देखेंगे तो कोई की लाइन में जो नंबर ऑफ सिलेबल्स है 10 से ज्यादा भी हो सकता है, उसको कहेंगे हम रन ओवर द लाइन. ये दो मेजर डिफरेंस हो गया मिल्टन के सॉनेट में. हालांकि सिर्फ मिल्टन ने ऐसा नहीं लिखा, और भी लोग लिखे, लेकिन इन्हीं के नाम पे क्योंकि सबसे पहले इन्होंने इसका प्रयोग किया, इसलिए इस तरह के सॉनेट को हम लोग मिल्टनिक सॉनेट कहते हैं, ठीक है, मिल्टनिक सॉनेट मिल्टन के नाम पे. सो इफ फाइंड हियर इनके जो सॉनेट होगा, ठीक है, बहुत प्लेन नहीं दिखाई देगा, इट विल बी वेरी ऑब्स्क्योर, यानी जो सब्जेक्ट मैटर होगा इट विल बी वेरी ऑब्स्क्योर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑब्स्क्योर मतलब है अनक्लियर, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स होगा जिससे अनहिज ब्रांडनेस है, ठीक है. अब अनहिज ब्रांडनेस उनको पहले यही क्वेश्चन होता है ना कि हाउ व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, कि जब मैं सोचता हूँ मेरे आंख की रोशनी क्यों चली गई या कैसे चली गई, बिकॉज ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अ ग्रेट डिवोटेड टू गॉड, कि हाँ ईश्वर को बहुत बड़े पुजारी हैं या उनके बहुत ही बड़े एडमायरर हैं, तो क्यों चला गया उनकी रोशनी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है. तो ये जो खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर उन्होंने पोएम में लिखा है अनहिज ब्लाइंडनेस में. सो जो शेक्सपियरियन सॉनेट है, सॉरी मिल्टनिक सॉनेट है, इनका स्ट्रक्चर सेम है जो पेट्रार्कन का है, यानी 8+6, सेम पैटर्न, सेम राइमिंग स्कीम, ठीक. फिर डिफरेंस क्या है सब्जेक्ट मैटर में और लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ सिलेबल कह सकते हैं, लाइन क्या लेंथ ऑफ सिलेबल्स, ठीक है, 10 होना चाहिए स्ट्रिक्टली, आयामिक पेंटामीटर है तो पेंटामीटर 10 होना चाहिए, लेकिन 10 से ज्यादा भी मिल जाता है, ठीक है. तो इस वजह से इनका जो सॉनेट का टाइप है उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है. पेट्रार्कन में ही है बेसिकली, ये भी काउंट किया जाए तो पेट्रार्कन का ही पार्ट है, बट एक अगर टाइप के रूप में देखा जाए तो मिल्टनिक का एक अलग टाइप हो जाएगा मिल्टन का, क्योंकि उसमें लाइन की लेंथ वेरी कर जाती है, सब्जेक्ट मैटर वेरी कर जाता है, लेकिन पेट्रार्कन में सब्जेक्ट मैटर आपका लव है, ठीक है. यहां तक आपका पेट्रार्कन हो गया और मिल्टनिक सॉनेट हो गया. अब हम वापस आते हैं इंग्लैंड की तरफ, ठीक, इंग्लिश सॉनेट की तरफ. सो इन इंग्लैंड इट वॉज ब्रॉड इन इंग्लैंड इट वॉज ब्रॉड बाई थॉमस वाट, WYATT वाट, थॉमस वाट एंड हेनरी हावर्ड. ये हेनरी हावर्ड थे अर्ल ऑफ सरी, ये सरी जगह का नाम है, अर्ल पोस्ट है, ठीक है. इंग्लैंड में पहले बहुत सारे नोबल्स जो होते थे, नोबल्स मतलब जो बड़े उच्च व्यक्ति होते थे राजा के साथ या राजा के दरबार में काम करने वाले, तो सबसे पहले किंग होता था, उसके नीचे इसी क्रम में घटते चले जाते थे, ठीक है. तो उसी में एक पोस्ट आता था अर्ल, ठीक है, हाँ, जैसे किंग क्वीन फिर प्रिंस प्रिंसेस फिर ड्यूक डचेस, इसी तरीके से अर्ल फिर विस्काउंट फिर बैरन, ये सब पोस्ट का नाम है, ठीक है, जिनको एक तरह से लॉर्ड कहा जाता था वहां की भाषा में, मतलब ये लोग सम्मानित व्यक्ति होते थे समाज के और बड़े हाई लेवल पर होते थे पोस्ट पे, तो यार सो हेनरी थॉमस वाट एंड हेनरी हावर्ड, इन दोनों ने सबसे पहले लिखना शुरू किया, स्पेशली सबसे पहले स्टार्ट किया हेनरी वाट ने. सो इन इंग्लिश वी कॉल एज फादर ऑफ इंग्लिश सॉनेट एज थॉमस वाट. क्वेश्चन आ सकता है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश सॉनेट, सो आंसर विल बी थॉमस वाट, बिकॉज ही स्टार्टेड राइटिंग सॉनेट फर्स्ट इन इंग्लैंड, ओके. हालांकि इसके बाद इन दोनों ने मिलकर के बाद में एक बुक पब्लिश किया, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स का,
और भी चीजें थी उसमें जिसको मिसलेनी कहा गया, 1557 में पब्लिश किया था, 1557 उसको मिसलेनी कहा गया, मिसलेनी, ठीक है, इन दोनों ने पब्लिश किया। देन सॉनेट फॉर्म यानी द राइटिंग ऑफ सॉनेट वाज मोर पॉपुलराइज्ड इन इंग्लैंड एंड इट वाज फॉलोड बाय लेटर ऑन राइटर्स, बाद के राइटर के द्वारा इसको फॉलो किया गया। ये देखो 16 सेंचुरी में हुआ, 1557 में, ठीक, तब तक शेक्सपियर का जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। शेक्सपियर का जन्म कब होता है, 1564 में, ठीक है, 1564 में होता है, यानी जब इनकी किताबें छप चुकी थी तब तक शेक्सपियर पैदा भी नहीं थे, ठीक। लेकिन इनके बाद शेक्सपियर ने सबसे ज्यादा सॉनेट को लिखा और पॉपुलराइज किया, ठीक है, शेक्सपियर ने। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, बता दें, इनका सब्जेक्ट मैटर सेम है, लव, ठीक है, यहाँ वालों का, यानी इंग्लिश का भी जो सब्जेक्ट मैटर है लव है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है सॉनेट का, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर जो पेट्रार्कन 8+6 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार चार लाइन के, ठीक है, चार चार लाइन के स्टेंजा बन जाएंगे और लास्ट में दो लाइन के होगा, तो जो चार चार लाइन के स्टेंजा होगा उसको कहते हैं क्वाट्रेंस, क्वाट्रेंस, QUATRAIN, ठीक, क्वाट्रेन। सो इफ यू सी हियर, तो हाउ मेनी क्वाट्रेन विल बी देयर, थ्री, यानी थ्री क्वाट्रेंस एंड वन कपलेट, और ये जो दो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, कपलेट, कपलेट, ठीक है। यानी जो इंग्लिश सॉनेट है उसका स्ट्रक्चर क्या है हमारा, चार चार लाइन के तीन स्टेंजा, ठीक है, यानी थ्री क्वाट्रेंस, थ्री क्वाट्रेंस एंड वन कपलेट, ये चीज हो जाएगा। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यही चीज यहां पर भी है कि फर्स्ट एट लाइन में आपको एक प्रोपोजिशन मिलेगा, प्रोपोजिशन, ठीक है, यानी फर्स्ट एट लाइन में आपको एक प्रोपोजिशन होगा, यानी एक समस्या के बारे में चार लाइन पहले स्टार्ट किया जाएगा, उसके इलोबरेट किया जाएगा, लास्ट यानी यहाँ के जो चार लाइन है थर्ड क्वार्टरन है जो, इसमें उसको और एक्सप्लेन किया जाएगा और लास्ट के दो लाइन में कंक्लूजन दिया जाता है। तो जो राइटर का फाइनल कंक्लूजन है उसके अनुसार वो लास्ट के दो लाइन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो लास्ट का जो कपलेट है उसको एक तरह से कहा जाए तो एक कंक्लूडिंग लाइन होती है इस सॉनेट की, ठीक है, ये 14 लाइन की सॉनेट है यहाँ पे, ठीक है, 40 लाइन्स। ये फॉर्मेट यानी थ्री क्वार्टरेंस प्लस वन कपलेट, ये मॉडल स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में और इंग्लैंड में ये काफी चला, ठीक। इसके बाद इसको शेक्सपियर ने बहुत फॉलो किया, और शेक्सपियर ने चूंकि फॉलो किया बहुत ज्यादा, तो उसी के नाम पे इस सॉनेट को कहा गया शेक्सपियरियन सॉनेट, बेसिकली इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज इंग्लिश सॉनेट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल कॉल इट एज शेक्सपियरियन सॉनेट, ओके, शेक्सपियरियन सॉनेट। सो अब इसमें दो मेजर नाम आ जाता है, एक आ जाता है शेक्सपियर का, दूसरा आ जाता है स्पेंसर का, ठीक है। सो शेक्सपियरियन सॉनेट यर एंड स्पेंसरियन सॉनेट, ठीक। शेक्सपियरियन सॉनेट में आपका जो चार चार लाइन का स्टेंजा है, स्टेंजा सेम यहां भी दोनों भी यही है, ठीक, इधर भी यही है, यानी यहां भी 3×4 1×2, यहां भी है 3×4 यानी 3 quadrants 1 couplet। फिर आप कह सकते हैं जो सबसे में तो फिर अंतर क्या है दोनों का, टाइप अलग अलग क्यों है ना, टाइप यहाँ अंतर क्या है वो आपको समझना है। दोनों का सब्जेक्ट मैटर लव है, ठीक है, थीम दोनों का लव है, दोनों का, स्पेंसरियन का भी और शेक्सपियरियन का भी, सब्जेक्ट मैटर लव या थीम उसका लव है। अब यहां बात आती है मेजर डिफरेंस क्या है,
ठीक। शेक्सपियर ने जो फॉलो किया राइमिंग स्कीम उसका है ए बी ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। सो शेक्सपियरियन में ये सॉनेट स्कीम है, ठीक, राइमिंग स्कीम आपका ये है ए बी सी डी ई एफ डी एफ जी जी, ठीक है। अब स्पेंसेरियन ने इसी में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया। स्पेंसर ने क्या किया, यहां पे इसकी राइमिंग स्कीम है आपकी ए बी ए बी, ठीक है। अब जो अगला आपका चार लाइन स्टार्ट हो रहा है, ये जो ये फोर्थ लाइन है इसी से स्टार्ट हो रहा है यहां पे ऐसे, तो बी सी, फिर अगला जो चार लाइन स्टार्ट हो रहा है सी डी फिर ई ई, यानी इनके में क्या हो रहा है, इसको कहते हैं लिटरेचर की भाषा में इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग यानी यहां का जो चौथा लाइन है ये इसकी राइमिंग स्कीम इसमें मैच करेगी, ये जो चौथा लाइन है इसकी राइमिंग स्कीम यहां मैच करेगी, ठीक है, और लास्ट के दोनों आपका कपलेट हो जाएगा। सो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर ई ई, ये स्पेंसेरियन सॉनेट हो जाएगा। तो स्पेंसर ने जो राइमिंग स्कीम सेट की वो इंटरलॉकिंग कर दी। इंटरलॉकिंग क्या होगा कि जो फर्स्ट स्टेंजा है यानी चार लाइन फर्स्ट फोर लाइन है, इसका जो लास्ट लाइन का राइमिंग स्कीम है वो अगले लाइन से मैच करेगी, ठीक है। अब देखिए यहां तो ये लास्ट लाइन है चार, इसका इससे मैच कर रहा है, इस तरीके से ये पैटर्न इनका चलता है, उसको कहते हैं इंटरलॉकिंग, ठीक है। आई होप ये चारों वैरायटी क्लियर होगी आपको, पेट्रार्कन, ठीक है, देन पेट्रार्कन भी वेरिएशन कर दिया मिल्टन ने, इसको मिल्टन सॉनेट कहते हैं। फिर इस तरीके से ये इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड में कब आया, 16th सेंचुरी में, यहाँ पे 16th सेंचुरी में आया, ठीक। हु ब्रॉट इट, या थॉमस वाट एंड हेनरी हावर्ड, और अर्ल ऑफ सरी पाएंगे लिख करके उसको, कहीं 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 उनका पूरा नाम नहीं लिख करके अर्ल ऑफ सरी कहते हैं उसको, ठीक है, थॉमस वाट एंड अर्ल ऑफ सरी, सरी जगह का नाम है और अर्ल पोस्ट का नाम है, ये दोनों लोग इंग्लैंड में इसको पॉपुलराइज किया। फिर ये प्रैक्टिस में और ज्यादा पॉपुलर हुआ शेक्सपियर के द्वारा, ठीक। सो शेक्सपियर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो शेक्सपियर के सोनेट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ही रोट टोटल 154 सॉनेट्स, ठीक है, शेक्सपियर रोट 154 सॉनेट्स, 154 आउट ऑफ 154 सॉनेट नंबर 126 इट इज एड्रेस्ड टू या अ फेयर यूथ, उस फेयर यूथ का नाम यहां पे डब्ल्यू एच के रूप में है, ठीक है। हु इज दिस डब्ल्यू एच, नोबडी नोज, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिबेट्स हुए हैं और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज क्लियर हुआ कि कौन है ये, क्योंकि डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होने वाले में बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, विलियम हार्वर्ड है और भी लोग हैं, तो ये कौन है क्लियर नहीं डब्ल्यू एच, बट इट वॉज रिटन फॉर अ फेयर यूथ, कौन है फेयर यूथ किसी को नहीं क्लियर है। देन सॉनेट नंबर 127 टू 152 ये लिखा किसको गया है, डार्क लेडी के लिए, ठीक है, डार्क लेडी, ये डार्क लेडी कौन है ये भी क्लियर नहीं है, स्टिल इट इज नॉट नोन, ठीक है। लास्ट के दो सॉनेट यानी सॉनेट नंबर 153 एंड 154 इट वॉज रिटन टू गॉड ऑफ लव बेसिकली, ठीक है, जो गॉड ऑफ लव है उसके लिए लिखा गया, गॉड ऑफ लव, ठीक है, प्यार की देवी देवता जो भी उनके लिए लिखा गया। ये आपका 126 सॉनेट है शुरू के, ये फेयर यूथ के लिए लिखा गया जिसको डब्ल्यू एच कहा गया, लास्ट के 26 सॉनेट 26 सॉनेट डार्क लेडी के लिए लिखा गया, और उसके बाद जो लास्ट के और दो सॉनेट बचते हैं वो गॉड के लिए लिखा गया है।
ठीक है, गॉड ऑफ लव बेसिकली गॉड के लिए है। इधर इनका जो सॉनेट कलेक्शन है शेक्सपियर का, इनका जो सॉनेट कलेक्शन है टोटल, ये पब्लिश हुआ 1609 में। इस कलेक्शन वाइज पब्लिश 1609, ठीक है, उसका नाम रखा गया सॉनेट्स करके, ठीक है, सॉनेट्स 1609 में पब्लिश किया, ठीक है, थॉमस थार्पे ने, इन्होंने पब्लिश किया था इनके सारे सॉनेट कलेक्शन को, ठीक है। जब एक साथ सॉनेट बहुत सारे ग्रुप में लिखा जाता है पूरा, ठीक है, और उसकी एक कंपाइल्ड बुक होगी तो उसको सॉनेट साइकिल कहते हैं। सॉनेट साइकिल में क्या होगा, एक ही व्यक्ति के बारे में या एक ही व्यक्ति के ऊपर ज्यादा लिखा जाएगा। यहाँ पे सारे सॉनेट इनका एड्रेस किसको है, जिसे देखा जाए 126 एक फेरुथ के लिए, ठीक, फिर उसके डायरेक्ट लेडी के लिए, तो सारा जो कलेक्शन है, हाँ ठीक है, तो इस कलेक्शन को पब्लिश किया 1609 में थॉमस थार्पे ने, ठीक है। इसी तरीके से जो स्पेंसर का है, इनको जो सॉनेट कलेक्शन है पूरा पब्लिश किया गया एक बुक में, जिसका नाम है अमरेटी, ये पूरा लव सॉनेट है, ये इसमें भरा हुआ अमरेटी, ठीक है। सो ये सॉनेट कलेक्शन यहां पर हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे देख लीजिए थोड़ा सा, हमने आपको जब सॉनेट की डिफिनेशन बताई थी तो हमने बताया था कि इट इज जनरली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, जनरली, लेकिन इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हुए हैं, ठीक है, जो वेरिएशंस हुए हैं उसको देख लीजिए। वेरिएशंस इन सॉनेट, ठीक है, एक सॉनेट है उसको कोडेड सॉनेट कहते हैं, ठीक है, इसमें जो सॉनेट है उसकी लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी लाइन इज एक्सटेंडेड, इसमें लाइन कितनी हो जाती है 14.5 लाइंस, ठीक है, 14.5 लाइंस, यानी जो 14 लाइन की हमारा स्टैंडर्ड लाइन है उसमें आधी लाइन और बढ़ जाती है, एंड दैट टाइप ऑफ सॉनेट इज कॉल्ड एज कॉर्डेड सॉनेट, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय जीएम हॉपकिंस, ठीक है, जीएम हॉपकिंस। अगर एग्जाम्पल देखना है तो इनका एक पोएम है पोएम का नाम है दैट नेचर इज दैट नेचर इज हेराक्लिटियन फायर दैट नेचर इज अ हेराक्लिटियन फायर। ये जो पोएम है सॉनेट है, आप देखें ये 14.5 लाइन की सॉनेट है, ठीक है, जब सॉनेट की लंबाई थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है यानी आधी लाइन बढ़ा दी जाती है उसको कोडेड सॉनेट कहते हैं, ठीक है। और ये इसका जो मॉडल है ये पेट्रार्कन मॉडल है, मॉडल पेट्रार्कन है, पेट्रार्कन स्ट्रक्चर, पेट्रार्कन स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है, 14.5 लाइन की। इन्होंने एक और प्रयोग किया था जिसमें सॉनेट की टोटल लंबाई घटा दी, टोटल कितनी लाइन होनी चाहिए थी 14 लाइन, ठीक, इन्होंने घटा करके उसको कम कर दी और उस सॉनेट का नाम दिया उन्होंने कर्टल सॉनेट, कर्टल सॉनेट, ठीक है,
इसमें जो सॉनेट है टोटल 10.5 लाइन है, 10.5 लाइन, ठीक है। इस सॉनेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो अभी हम लोग पेट्रार्कल में पढ़े थे, 8 लाइन होना चाहिए पहले वाला फर्स्ट पोर्शन, 8 लाइन होना चाहिए प्रपोजिशन, तो 8 लाइन को उन्होंने घटा के 6 लाइन कर दिया, ठीक है, यानी ये 6 लाइन कर दिया, फिर बाद में 4.5 10.5 लाइन हो गया, ठीक है। तो ये पैटर्न इन्होंने स्टार्ट किया पेट्रार्कन, और राइमिंग स्कीम इन्होंने कर दी ABC, ठीक है, इस तरीके से कम कर दिया इन्होंने राइमिंग स्कीम, ठीक है। बाकी नीचे पेट्रार्कन वाला है CDE फिर CD ऐसे करके, तो ये 10.5 लाइन की लाइन किया गया इनका। ये भी इट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाई GM Hopkins, इनकी एक पोएम है पाइड ब्यूटी, इसमें इन्होंने ये यूज किया पाइड ब्यूटी में, ठीक है। पाइड ब्यूटी एक और सॉनेट है जिसको कहा गया है स्ट्रेस्ड सॉनेट, ये देखो सब वेरिएशन है, ठीक है। इस तरह के सॉनेट में जो 14 लाइन थी हमारी, ठीक, दिस 14 लाइन इज एक्सटेंडेड टू 16 or 17 लाइन्स, ठीक है। इसलिए मैंने जब डिफिनेशन सॉनेट बताई थी तो बताया था कि ये पोएम ऑफ 14 लाइन जनरली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। तो बेसिकली जो 40 लाइन्स था वो भी वेरी कर गया है, और जो मीटर है वो भी वेरी कर जाता है। अभी मीटर के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताया आपको हमने, कई में आप देखेंगे हेक्सामीटर भी यूज किया गया है, कई कई में इवन GM Hopkins ने जो यूज किया है, ठीक है। तो एक दो पोएम में इन्होंने ये किया मीटर 16 to 17 लाइन सिलेबल्स हो गया है, 10 सिलेबल होना चाहिए लाइन की, अधिकतम 10 सिलेबल्स, 16 सिलेबल 15 सिलेबल्स इस तरीके का है, और इसमें मीटर वेरी करते रहता है। इस तरह से इन्होंने एक नया नाम दिया उस मीटर का, स्प्रंग रिदम, ये नाम दिया GM Hopkins ने स्प्रंग रिदम। सो समटाइम्स MCQ में भी आस्क्ड स्प्रंग रिदम इज कनेक्टेड टू या रिलेटेड टू, किसका आंसर होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, GM Hopkins, ठीक है। स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम ये GM Hopkins ने दिया, ठीक है। स्ट्रेच सिलेक्ट, हाँ, जैसे एक राइटर है जॉर्ज मेरेडिथ, स्ट्रेच सॉनेट के लिए जॉर्ज मेरेडिथ, ठीक है। जॉर्ज मेरेडिथ का पोएम एक है लव, ठीक है, मॉडर्न लव, जॉर्ज मेरेडिथ, इनकी पोएम है मॉडर्न लव। बेसिकली इसमें ये टॉक्ड अबाउट द फेलियर ऑफ मैरिज, ठीक है, फेल्ड मैरिज के बारे में बात किया उन्होंने। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सॉनेट की लंबाई है उसमें सिलेबस 16 to 17 तक पहुंच गया है, 10 सिलेबिक होना चाहिए और टोटल लाइन्स होनी चाहिए 14 होना चाहिए था, तो इसमें लाइन्स 16 lines, 17 lines तक पहुंच गया है पूरा, ठीक है। एक और सॉनेट देखिए, सबमर्ज सॉनेट, मिटा दे रहे हैं घर पे, हम लिखते जाइएगा आप लोग। ये समर सॉनेट क्या होगा, जब कोई बड़ी पोएम लिखी जाती है, ठीक ठीक, उस बड़े पोएम के बीच में या कोई पोएम छोटी सी डाल दी जाएगी 14 लाइन की, और सॉनेट फॉर्म होगा, ठीक है। सो ए सॉनेट इज सबमर्ज्ड इनटू अ बिग पोएम, ठीक है। तो इस तरीके के पोएम को हम कहते हैं सबमर्ज्ड पोएम, सबमर्ज्ड सॉनेट, ठीक है। जैसे T.S. Eliot की एक बुक है द वेस्ट लैंड, ठीक है, द वेस्ट लैंड, इसमें देखेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा लाइन नंबर 235 से लेकर के 48 तक, ये जो लाइन है पूरी 14 लाइन
एक सनेट सनेट फॉर्म में है। तो ये सनेट एक बड़ी पोएम है, ये पूरी बुक बहुत मोटी पोएम है। टोटल कितने लाइन है इसमें? 433 लाइंस। हाँ, टी एस इलियट की ये बुक बहुत फेमस बुक है, टी एस द वेस्ट लैंड, और ये अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यू में, ठीक है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द वेस्ट लैंड। सो टोटल 433 लाइन्स। दिस बुक वॉज एडिटेड बाई एज्रा पाउंड। दिस बुक वॉज एडिटेड बाई एज्रा पाउंड। सो इसमें देखेंगे लाइन नंबर 235 से लेकर 48 तक, ये 14 लाइन आपका एक सनेट फॉर्म में है, और ये बड़े पोएम के अंदर एक तरह से समर्ज कर दिया गया, तो इसको कहा गया समर सनेट, ठीक है। एक और सनेट है, उसको कहा गया सनेट रीडबल। रीडबल, ठीक है, सनेट रीडबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्राउन ऑफ सनेट। क्राउन ऑफ सनेट, ये थोड़ा सा टिपिकल सनेट है। इसमें क्या होगा, देर विल बी ग्रुप ऑफ 15 सनेट्स, ठीक है, ध्यान से सुनिए इसको। देर विल बी ए ग्रुप ऑफ 15 सनेट्स। ठीक, जरूरत क्या है, 15 सॉनेट का ग्रुप तो है, ठीक है। जो पहला सॉनेट है, मान लीजिए सॉनेट नंबर 1 है, ठीक। अब इसका जो लाइन हो गई, मान लीजिए अंतिम लाइन है, ठीक है। सो द लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट सॉनेट विल बी फर्स्ट लाइन ऑफ नेक्स्ट सॉनेट, समझे। द लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट सॉनेट विल बी फर्स्ट लाइन ऑफ नेक्स्ट सॉनेट या सेकेंड सॉनेट, ठीक है। और ये क्रम चलता चला जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझ लो। इधर देखो, चित्र देख लो, ये पहला सॉनेट है, ये माने लास्ट लाइन है आपका, ये 14वीं लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे ये 14th लाइन है, तो जो अगला सॉनेट होगा उसकी ये पहली लाइन हो जाएगी, यानी यहां से स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये जो लाइन है यही लाइन यहां लिख जाएगी, पहली लाइन, ठीक है। सो लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट सॉनेट विल बी फर्स्ट लाइन ऑफ नेक्स्ट सॉनेट, ओके। और ये प्रक्रिया चलती चली जाएगी, और जो 15th नंबर सॉनेट होगा, 15th नंबर सॉनेट, ठीक है, ये 15th सॉनेट, ठीक है, ये सारे इस सॉनेट में सारी वो लाइन होगी जो लाइन रिपीट की गई है, भाई यहां पे रिपीट की गई लाइन, फिर इसका भी होगा कोई, ये यहां रिपीट होगा, फिर इसका भी कहीं होगा इधर, ये रिपीट होगा, ठीक है, यानी ऐसे रिपीट होगा, फिर यहां जाते जाते फिर इसका यहां लास्ट लाइन होगा, ये रिपीट होगा यहां, तो जितने रिपीटेड लाइन है सबको जोड़ करके 14 ही तो होंगे, 15वां सॉनेट बन जाएगा। 15th सॉनेट जो होगा वो सारे रिपीटेड लाइन से कंबाइन करके जोड़ करके बनाया जाएगा, ठीक है। ये हालांकि बहुत ही टफ काम है इस तरीके का, ठीक है, बट स्टिल वन काइंड ऑफ सॉनेट इज अवेलेबल, और इस तरह का सॉनेट का प्रैक्टिस किया था मैरिलिन नेल्सन ने, मिटा देते हैं इसको, मैरिलिन नेल्सन, नेल्सन ये अमेरिकन राइटर है, लेडी है, ठीक है, अमेरिकन राइटर, इन्होंने एक पोएम लिखी थी एमेट टिल करके, डबल एम, ठीक है, एक्चुअली पूरा नाम है ये रीथ फॉर एमेट टिल, ठीक है, ये पोएम है, ये टोटल कलेक्शन है 15 पोएम का, एमेट टिल नाम है, एक लड़के का नाम है जो 14 साल का होता है और जिसकी बेरहमी से मार के हत्या कर दी जाती है, और हत्या क्यों कर दी जाती है, क्योंकि ये लड़का ब्लैक होता है और वो व्हाइट
इसके ऊपर जो चार्ज लगता है कि ये व्हाइट वुमन को सीटी मार दिया था, विसलिंग कर दिया था, ठीक है, और उसको कुछ लोगों ने देख लिया कि हाँ एक ब्लैक लड़का एक व्हाइट वुमन के ऊपर सीटी मार रहा है, ये ऑब्जेक्शन लगाया गया उसके ऊपर, सच्चाई क्या थी पता नहीं, और कुछ लोग इसके घर गए और उसको खींच के घर में से बाहर ले आए और ले जा करके इतना मारे कि बेचारा मर जाता है, ठीक है। इसकी मेमोरी में इन्होंने नेल्सन जी ने, ये राइटर हैं, लेडी हैं राइटर, इन्होंने एक पोएम लिखी है जो 15 पोएम का कलेक्शन है, और वो पोएम का टाइप यही है सॉनेट रीडेबल, ठीक है, क्योंकि सॉनेट रीडेबल कहते हैं वैसे तो, रीडेबल के बजाय रीडेबल लिखिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, 15 सॉनेट कलेक्शन होगा, पहला सॉनेट का जो लास्ट लाइन होगा वो अगले सॉनेट का पहली लाइन होगी, और ये क्रम चलता चला जाएगा, जो लास्ट सॉनेट होगा 15 सॉनेट वो सारे रिपीटेड लाइन से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस, ये काफी फेमस सॉनेट है एमेट टिल की, इनके डेथ की पूरी इसमें लिखा दिखाया गया है, और मजे की बात कि इस पोएम में जो चार्ज लगाया गया उसमें दो बंदों के ऊपर एक्विट किया गया उनको, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया, चार्ज प्रूव नहीं हुआ, ठीक है। और यह घटना है 1955 की, मिसिसिपी की घटना है ये, और मर्डर हो गया, किसने मारा पता ही नहीं चला, ठीक है। तो इस पोएम के माध्यम से जो रेसिज्म वहाँ था उसको दिखाने की कोशिश की गई है, और एक सिंपैथी इस बंदे के प्रति दिखाई गई है यहाँ पे इस पोएम में। सो ये जो है आपका सॉनेट रीडेबल फॉर्म है। इसके बाद आता है सॉनेट साइकिल। सॉनेट साइकिल, सॉनेट साइकिल होता है क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स पर्टिकुलरली रिटन फॉर सिंगल थीम आर एड्रेस टू ए सिंगल पर्सन, ठीक है, मतलब किसी एक व्यक्ति को या किसी एक सब्जेक्ट पे जो सॉनेट लिखी जाती है उसको सॉनेट साइकिल कहते हैं। सॉनेट साइकिल इज ए ग्रुप ऑफ सॉनेट्स रिटन टू एड्रेस अ पर्टिकुलर थीम आर अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थीम आर पर्टिकुलर पर्सन, लाइक इधर अभी हमने आपको बताया था ना स्पेंसर का एमेरिटी, ठीक, उसी तरीके से है, शेक्सपियर का सॉनेट्स है, ठीक। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने सॉनेट कलेक्शन लिखा है, और दो चार नाम देखना है तो हम आपको बता दे रहे हैं, या जैसे डी जी रोसेट्टी एक बहुत बड़ी राइटर हैं, उनका है द हाउस ऑफ लाइफ, फिर एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है सॉनेट्स फ्रॉम पुर्तगीज, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है, ठीक है, तो सॉनेट्स फ्रॉम पुर्तगीज ये भी कलेक्शन है, तो ये सब हैं सारे, ये सब सॉनेट साइकिल हैं। सो विद दिस आई होप यू गॉट सम आइडिया अबाउट सॉनेट, ओके, थैंक यू।